है, कहाँ तक पहुंचा? सर असाइनमेंट सर मेरा बस एक पेपर बाकी है, बाकी कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट। किशन आपका? मेरा सर दो पेपर बाकी है। ओके, ऐसे इस महीने के बाद में टाइम रहेगा, बट ट्राई टू फिनिश इट विद इन दिस मंथ। और 15 दिन है तकरीबन अभी आपके हाथ में, कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और करने के बाद जो आपका आरसी है, जो सॉरी आरसी कह रहा हूँ, जो एससी है स्टडी सेंटर, वहां आपको सबमिट कर देना, ठीक है। सो आज का सर टॉपिक जो मेरा है वो अकाउंट्स का अभी तक एमसीयू। मिला नहीं मेरे को। अकाउंट्स का MCO 05 जो है ना, नहीं अच्छा, MCU 5 आपको नहीं दे दिया था क्या? मैंने सेंड नहीं किया था मैंने दोबारा। किया था ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आज ही सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। आज ही मैं एक पेपर का नोट्स कंप्लीट और जो आपका MCU 5 का जो क्वेश्चन पेपर है, आई मीन जो असाइनमेंट्स का पेपर है, उसका सॉल्व, ठीक है। ओके देन, तो MCU 24 का ये टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, और यही हमारा टॉपिक है, इसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंडेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, जिसको उंगा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये पहले आपको समझना होगा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे जो अमीर कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, उनके पास हैं। जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और अगर हैं भी तो उनको उन चीजों को यूज करना नहीं आता है। इसीलिए जितना डेवलप्ड वेस्ट है उतना डेवलप्ड ईस्ट नहीं है। तो ये जो ग्रोथ होता है ना, डेवलपमेंट वाला जो ग्रोथ होता है, इसको करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि आप ऐसी चीजों को करें जिसके जरिए जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो, मतलब एक लंबे समय तक वो ग्रोथ टिका हुआ रहे, बना हुआ रहे, वो इनका मेन टारगेट है। तो वैसा करने के लिए उनको क्या क्या करना होगा, है ना, क्या है एक्चुअली सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई आपका कंट्री जो है वो सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है। ऐसी क्या क्या चीज होगी, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट द टॉपिक विद द फर्स्ट, नहीं फर्स्ट पॉइंट नहीं, पहले एक पैराग्राफ है, पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर, सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाई द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको उंगा बोलते हैं, इन 2015, 2015 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई 2030। 2030, 15 सालों में ये कुछ कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या है, आई होप कि आपको पता होगा, आई थिंक 191 और 196 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस नाम से समझ में आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, जहां पे बहुत सारे देश मिल करके एक जगह पे सस्टेनेबल गोल्स को पाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसको आप यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जनरल असेंबली है, इन्होंने 2015 में डिसाइड किया कि 2030 तक हमें पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाना है, और इन चीजों को हासिल करना है जो मैं पॉइंट्स अभी एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। द एसडीजीज आर बिल्ड अपॉन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जो अभी का जो जनरेशन है, इसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलेंगे। आने वाले समय में मिलेनियम चेंज होगा, कुछ और उसका नाम पड़ेगा। जिनका जन्म 1990, आई मीन 90s में हुआ है, वो एक्चुअली मिलेनियल्स है हमारे इंडिया के लिए, उनके लिए ही ये वर्ड जो है यूज होता है, यंगर जनरेशन के लिए। तो ये जो गोल्स हैं, ये MDG द्वारा जो है एक तरीके से बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, एंड एनकम्पास अ ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, है ना। यहाँ पे इनका जो फ्रेमवर्क है, जो इनका जो पूरा अप्रोच है चीजों को लेकर के चलने का, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या हो गया, कि सारी चीजें इसमें है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गरीबी की तरफ ध्यान देंगे, आपको अपने कंट्री में इंडस्ट्री को भी लगाना है, ताकि लोगों के पास जॉब भी हो, ठीक है। आपको हर एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव तरीका लोगों को अपलिफ्ट करने का। नाउ देयर आर 17 SDGs, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उन्हीं 17 के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे अभी करने करने वाले हैं। विथ 169 स्पेसिफिक टारगेट्स दैट कवर अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। टोटल जो मेन टारगेट है वो 17, लेकिन उसके अंदर
169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, ये हमें अचीव करना है कंट्री वाइज। आप समझ लो जैसे कि सूडान एक कंट्री है या लीबिया एक कंट्री है, आपको पता है कि अफ्रीकन नेशंस की ये कंट्रीज हैं और यहाँ पे हाल एकदम बेहाल है, मतलब इंटरनल जो माहौल है, गृह युद्ध हमेशा लगा हुआ रहता है, हमेशा नुकसान होते रहता है लोगों का, उनकी भलाई किस तरीके से हो। तो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो कि इनको अचीव करना है बाय 2030, विच इज वेरी टफ अचीव करना, लेकिन दे आर ट्राइंग। एंड इसके अलावा टोटल 17 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। एक एक करके हम लोग करेंगे इनको। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, पूरी दुनिया से गरीबी को हटाना है, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। कई बार लोग समझते हैं कि गरीबी का मतलब गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों को नहीं हटाना है, गरीबी को हटाना है। और अगर आपको गरीबी को हटाना है तो उन गरीबों को जॉब देना होगा या ऐसी सुविधाएं देनी होंगी जिसके जरिए वो लोग अपने जीवन को अपलिफ्ट कर पाए, ऊपर की तरफ लेकर के आ पाए, ठीक है। तो पॉवर्टी आपको हटाना है। आप सपोज किसी को डोनेशन देते हैं कुछ पैसे, है ना, किसी गरीब को आप डोनेशन देते हैं, तो ये जो आपने काम किया, इसका जो असर है वो उसके जीवन पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे आपने दिए हैं वो तुरंत उसके खर्च हो जाएंगे, जब भी खर्च हो जाएंगे वो वापस से रास्ते पे आ जाएगा, विच इज नॉट गुड, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जॉब देना होगा या आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जिसके जरिए उसका जो पॉवर्टी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, है ना। वो सारी चीजें हैं। सो एंड पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म्स एंड डायमेंशन, पॉवर्टी को हर एक तरह से जो है एक तरीके से मिटाना है, इंश्योरिंग सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल, ऐसे लोग जो कि गरीब हैं या वल्नरेबल हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि सड़क पे रह रहे हैं, यू नो, ऐसे लोग जो कि बहुत वल्नरेबल हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो जाता है ना, इन लोगों को सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये आपका पहला टारगेट है, एसडीजी का पहला टारगेट। दूसरा है जीरो हंगर। तो पता चल रहा है आपको, आप अगर स्टैट्स भी देखेंगे तो इंडिया में ही तकरीबन 10-20% पॉपुलेशन या उससे ज्यादा ही जो है रात में खाना नहीं खाती है। ऐसा नहीं कि वो लोग खाना नहीं चाहते हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो लोग खाना खा पाए, इसलिए कहा जाता है कि खाना को बर्बाद मत करो। शादियों वगैरह में कहा जाता है कि भाई आप खाना को बचा लीजिए और किसी गरीब मोहल्ले में जाकर के खाने को बांट लीजिए, बर्बाद मत कीजिए, राइट। सो जीरो हंगर का यही मतलब है कि आपको जो भुखमरी है उसको हटाना है ना। सस्टेनेबल गोल में ये दूसरे पॉइंट पर आता है, जीरो हंगर। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब हर एक बंदे को खाना मिले। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया जाता है, खासकर कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, इवन अभी भी वो सिस्टम चल रहा है कि लोगों को फ्री में जो है फूड मुहैया कराया जा रहा है, फ्री में अनाज मुहैया कराया जा रहा है, चावल वगैरह, दालें वगैरह, आलू। जैसे हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि आपको जो है यू नो जो भी आपका मिड डे मील का जो प्रोग्राम होता है वो पूरी तरह से चलाया जाता है। कोविड में स्कूल्स वगैरह बंद थे लेकिन स्टिल वो प्रोग्राम्स रन कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लोगों को, ये बहुत जरूरी है, इसी के बारे में बोला गया है जीरो हंगर में। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज में लोग खाना तो खा रहे हैं, एक्चुअली पहला बात उनको खाना ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो न्यूट्रिशन युक्त नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, बच्चे वहाँ के मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। कोई बच्चा पतला दुबला है, कोई देखने में ही गजब सा है, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो न्यूट्रिशन को बढ़ाना है। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जो लंबे समय तक चलता रहे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीकल्चर बस एक टाइम पैदा किया सारे फसलों को, अगले बार से आपने छोड़ दिया, सो दैट्स नॉट द टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, है ना। ऐसी चीजें जो हमेशा चलती रहे उसको हम लोग सस्टेनेबल गोल्स में मानेंगे। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो अच्छी अच्छी अच्छा स्वास्थ्य, है ना, और अच्छे तरीके से आप रह पाए, है ना, उसके लिए जो है ये आपका जो है तीसरा गोल है। अब इसको प्रोवाइड कराने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता है कि पूरे इंडिया में आयुष्मान भारत नाम का वो कार्ड जो है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, जहाँ पे आपका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। तो गुड हेल्थ वेल बींग के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, सभी लोगों के लिए, सभी ग्रुप के लोगों के लिए, चाहे उनकी एज कितनी ही हो, सभी का जीवन जो है अच्छा रहे, अच्छे तरह से बीते, ये हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ का, डेवलपमेंट ग्रोथ का एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। ये तीन चीजें जब आपको मिल गई तो चौथे पॉइंट में आप ध्यान देंगे एजुकेशन के तरफ, कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है,
अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री की अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वो कंट्री किसी काम का नहीं है, वहां पे अच्छे लोग पैदा नहीं होंगे, वहां पे अच्छे माइंड्स को हार्वेस्ट नहीं किया जा पाएगा, राइट? सो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, उसमें भी काफी काम हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे पुराने जो तरीके थे पढ़ाने के, जो नई चीजें डिमांड में हैं, जो लोगों को सीखनी चाहिए, बच्चों को सीखनी चाहिए, वो चीजें अब कराई जाएंगी। हालांकि मुश्किल है हर एक लेवल पे करा पाना, लेकिन कोशिश एटलीस्ट किया जाता है, ठीक है? तो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, है ना? सो क्वालिटी एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन ला रहे हैं, सबको समान व्यवहार कर रहे हैं, सबको एजुकेशन में ला रहे हैं और सबको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो चीजें उनको चाहिए सीखने के लिए वो चीजें आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे उनका जो है लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग एक तरीके से चल रहा है, ठीक है? पांचवा पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि आपको पता है कि यहाँ पे फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा बात होती है, हालांकि फेमिनिज्म को बहुत गलत तरीके से भी प्रोटेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे जो मेन बात है कहने का वो ये है कि औरतें और मर्द दोनों सेम है, ठीक है? अब वो फिजिकली तो सेम नहीं हो सकती, लेकिन उनका जो व्यवहार है, जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, अगर आप अगर कोई मर्द 10 घंटे काम कर रहा है और औरत अगर 10 घंटे काम कर रही है, दोनों के सैलरी में अगर डिफरेंस है तो वो गलत है। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन सैलरी में डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, भारी काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो काम आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किसी को एक को कम पैसे मिल रहे हैं, किसी एक को ज्यादा मिल रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी में आपको वही ध्यान देना है कि दोनों जेंडर को सेम तरह का जो है बेनिफिट मिल पाए, सेम तरह की चीजें जो है उनको प्रोवाइड की जा सके। अब हर एक लेवल पे तो नहीं की जा सकती है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है? छठा पॉइंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये एक बहुत ही मेजर इश्यू आने वाले समय में होने वाला है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है? क्लीन वाटर पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अभी साउथ अफ्रीका में न्यूज आ रहा था कि साउथ अफ्रीका में पीने का पानी एकदम ही खत्म हो गया है, एकदम ही खत्म हो गया, बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है उन लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम जो है इंडिया में भी आएगा समय के साथ, आने वाले 20-25 सालों में हम मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो है पानी का प्रॉब्लम होने वाला है, पानी का क्राइसिस होने वाला है। सो क्लीन वाटर और सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है सारी की सारी कंट्रीज को, जितने भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये उनका एक वन ऑफ द गोल है, ठीक है? इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सभी लोगों को चीजें मिल पाए, वाटर मिल पाए, सैनिटेशन मिल पाए, ये इंश्योर करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आएगा। सातवां नंबर पॉइंट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन मतलब एक ऐसा एनर्जी, क्लीन के जगह पे एक्चुअली ग्रीन एनर्जी लिखते तो ज्यादा सही रहता, क्लीन एनर्जी का मतलब एक ऐसा एनर्जी जिसका असर जो है इन्वायरमेंट के ऊपर गलत ना पड़े। हम जब कोल एनर्जी की बात करते हैं या डीजल या पेट्रोल से जो एनर्जी हमें मिलती है ना, उसके जरिए जो हमें एनर्जी मिलती है उसके कारण से लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है ना। लेकिन सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें या फिर विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी, पानी के जरिए जो बिजली वगैरह पैदा होती है ना, इन सब चीजों में ये सारी चीजें हालांकि क्या रिन्यूएबल भी हैं, वापस से इनको वापस से लाया जा सकता है, सूर्य का प्रकाश तो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो हमेशा ही आपके लिए रहेगा। सो इस तरह की जो एनर्जी होती है वो क्लीन होती है और अफोर्डेबल होती है, सस्ती भी होती है और अफोर्डेबल भी होती है। सस्ती अभी है, आने वाले समय में महंगी होगी, बट अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जैसे कि अगर आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं अपने रूफ टॉप पे तो वो काफी सस्ते में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और ये सही भी है, धीरे धीरे करके चीजें जो है बदल रही हैं, लोग भी इस चीज को लेना चाह रहे हैं। सो लोगों के लिए अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट इज वन ऑफ द SDGs। आठवां नंबर पॉइंट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों को डिसेंट वर्क मिल सके और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना कि सिर्फ कंपनी का, ना कि सिर्फ व्यक्ति का, बल्कि पूरे कंट्री का भी ठीक तरीके से हो सके, दैट इज वन ऑफ द टारगेट। प्रमोट सस्टेनेबल सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, ठीक है? ये उनका टारगेट है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लाना है, डिसेंट वर्क, सभी लोगों को अच्छा काम मिल पाए, ये ध्यान देना है ना, ये वन ऑफ द गोल्स है। नवा नंबर पॉइंट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो कि लंबे समय तक चलेगा, अच्छा हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो। कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी ग्रोथ अभी कर पाती है जब आप नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं,
ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर आपका चल गया तो आप उसी के ऊपर टिके रहें, आप उसको कैसे बेहतर बनाएंगे इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। इनोवेशन को फॉस्टर करना, एक तरीके से उनमें पैसे डालना, उनको एनकरेज करना कि भाई आप इनोवेशन करो। देखो इनोवेशन करने के लिए पैसे लगते हैं, रिसर्च करने के लिए पैसे लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च में आपने बहुत सारे पैसे लगा दिए लेकिन जो आउटकम है वो सही नहीं निकल करके आया, तो उसमें निराश होने से नहीं होगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, इसलिए हम लोग रिसर्च के मामले में काफी पीछे हैं। ठीक है, हमारे पास रिसर्च होने करने का प्रोजेक्ट तो रहता है लेकिन उसके ऊपर फाइनेंस नहीं मिल पाता है ना, तो वो एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है। सो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां नंबर पॉइंट है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। जो इनइक्वलिटी है लोगों के बीच में या कंट्रीज के बीच में उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस इनइक्वलिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। किसी भी कंट्री के अंदर में किसी भी तरह की अगर इनइक्वलिटी है, कोई बराबर, अब जैसे अमेरिका का बराबरी इंडिया तो नहीं कर सकता अभी, कहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और कहाँ हम लोग तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे हैं। हम अभी डायरेक्टली तो उनके साथ बराबरी का तरह नहीं कर सकते ना, उसकी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, बट हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो अमेरिका को पहले मिली, जिसके जरिए वो लोग उतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाए। ये तो हमारा हक है ना, वो तो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है ताकि हर एक कंट्री को मौका मिल पाए कि वो खुद को ग्रो कर पाए, तभी चाइना जो है अभी के टाइम पे इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाया है ना। तो जो इनइक्वलिटीज हैं किसी कंट्री में वो उनको दूर करना। 11वां नंबर पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ऐसी कम्युनिटीज या सिटीज जिसको आप इस तरीके से बना रहे हैं कि वो लंबे समय तक सस्टेन करके रख पाए, है ना। आपने पानी का जो सुवेरेज सिस्टम है, पानी बारिश होती है पानी जम जाता है, उसके निकलने का व्यवस्था आपने इतना बेहतरीन कर दिया है कि आने वाले 30-40 सालों में या उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ग्रोथ है वो आपने कुछ इस तरीके से सस्टेनेबल बना करके रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बिल्कुल सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सा क्रिएट कर दिया है। आप अगर विदेश जाएंगे तो विदेशों में आपको वाटर मैनेजमेंट, है ना, स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट या फिर पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। सबके लिए सब कुछ सेट, रूल वगैरह पूरा बना हुआ है, आपको बस उनको फॉलो करना है। सो अगर आपको जी वैसी बिल्कुल सिटीज बनानी है, कम्युनिटीज क्रिएट करनी है, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। शहरें बनानी है, कई बार क्या होता है कि अब जैसे कि बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे कि गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं वहां पे वो लोग किसी तरीके से रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी के टाइम पे इंदिरा आवास योजना या अलग अलग तरह की आवास योजना के तहत घर बना करके उन लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करा रही है ना। तो शहर बसाना और शहरों में लोगों को बसाना, सेटलमेंट उनको प्रोवाइड करना विद सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल सेटलमेंट, वो जरूरी है, एंड दैट इज वन ऑफ द SDG। ठीक है, 12वां नंबर पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो आपका प्रोडक्शन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंजम्पशन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि आपने, आपको 10 मशीनों की जरूरत है और आपने 100 बना दिए, तो ये तो गलत हो गया ना। आपने अपने रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने रिसोर्सेस को वेस्ट किया एक तरीके से, तो वो नहीं करना है। जो कंजम्पशन है आपका, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही उगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं उगाएंगे, है ना। तो जो आपको कंजम्पशन है उसको रिस्पॉन्सिबली करना, जो प्रोडक्शन पैटर्न है उसको रिस्पॉन्सिबली सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, दैट इज वन ऑफ द SDGs। 13वां नंबर पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन। इस पॉइंट पे एक्चुअली ऊपर होना चाहिए था, क्लाइमेट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन टूडेज वर्ल्ड। अभी के टाइम पे क्लाइमेट बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है निकल करके आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग देख रहे हैं कि जो पानी का स्तर है, जो जमीन में जो पानी है, जमीन तो पानी के अंदर नहीं, बिल्कुल जो ओशियंस हैं उनका जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और अगर उनका स्तर बढ़ेगा तो जो ऐसे कंट्रीज जो कि जिनका जो ज्यादा ऊंचाई वाले जगह पे नहीं है वो लोग डूब जाएंगे। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका एक टाइम पे आकर के डूब जाएगा। जावा, सुमात्रा, ये एक्चुअली सिटीज हैं, इंडोनेशिया की सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो। सो ये सारी चीजें डूब जाएंगी क्योंकि ये चारों बगल पानी से घिरी हुई हैं, और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा ये सारी चीजें जो है डूबने वाली हैं। सो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस जी नाम सुना होगा, ग्रेटा थंडरबर्ग और थनबर्ग, ऐसे ऐसे कुछ नाम है। एक लड़की है, स्कूल की लड़की है, जिसने काफी बोल्ड तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, एक्चुअली लोगों को जगाने के लिए कि भाई आप क्लाइमेट के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, अब सारे प्रॉब्लम्स अब हमारे ऊपर क्यों छोड़ करके जा रहे हैं।
लोगों को एक तरीके से अवेयर करने के लिए, लोगों को काफी करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि आप क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दें। उसने अपने पूरे स्कूल में जो है इस कैंपेन को चलाया और वो इतनी फेमस हो गई कि उसको यूनाइटेड नेशंस में बुला करके उससे भाषण दिलवाया गया और सारे के सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो उनकी बात उसकी बातें सुन रहे थे, है ना। सो क्लाइमेट एक्शन अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, लोग उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। अभी देखना कि आप गिफ्ट में लोग एक दूसरे को पेड़ देते हैं, पौधे देते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल है ना, वो इसीलिए किया जाता है। अच्छा, 14वां पॉइंट है लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे का जो जीवन है उसको भी बचा करके रखना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ओशेंस में, हम लोग तो ओशेंस में नहीं फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं, लेकिन वो नदियां सारी चीजों को बहा करके ले जाती हैं समंदर में और समंदर सारी चीजों को बहा करके लेके जाता है ओशेंस में। तो उससे हमारे जो ओशेन है वो गंदा हो रहा है, समुद्र गंदा हो रहा है, नदियां गंदी हो रही हैं, और ये सारी चीजें गंदी होंगी तो धीरे धीरे करके जो अंदर जो लाइफ है, वाटर के अंदर जो लाइफ है, लाइफ बिलो वाटर जो है वो एक तरीके से बर्बाद होता रहेगा। और वो अगर बर्बाद होता रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके ऊपर काफी हद तक जो है काम किया जा रहा है ना। वही बोला रहा है, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, पानी के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आपको हैरानी होगी कि जो बहुत सारी जो मेजर दवाएं हम लोग खाते हैं वो सारी की सारी दवाएं जो हैं वो एनिमल प्रोटीन से बनती हैं। अब खाने वाला प्रोटीन नहीं, जो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे जो है दवाई वगैरह बनती है। तो पानी के अंदर प्लांट्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनके जिनका यूज करके दवाएं वगैरह जो है बनाई जाती है। तो उनको कंजर्व करके रखना, दे आर लाइक रिसोर्सेज टू अस, ठीक है। तो उनको ठीक तरीके से रखना, उनको एक तरीके से उनके घर को बर्बाद नहीं करना, दैट इज वन ऑफ द SDGs। 5वां नंबर पॉइंट है लाइफ ऑन लैंड, है ना, जो लाइफ है लैंड के ऊपर उसको भी प्रमोट करना, उसको भी बचा के रखना। फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है कि जंगलों को नहीं काटना है, जंगलों को डेवलप करना है, एक इकोसिस्टम तैयार करना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट कॉम्बैट। सॉरी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके गाइस, सो लाइफ ऑन लैंड, जैसे मैंने बताया कि लैंड के ऊपर जो लाइफ है, जैसे जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जो हमारी जिंदगी है, उसको भी एक तरीके से आपको बेहतर बना करके रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम पे खाने जितने भी सारे अनाज वगैरह है उन सब में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। देखो यहाँ पे एक बोला भी गया है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो लॉस है वो इसी के कारण हो रहा है कि हम लोग सही चीजें नहीं खा रहे हैं, जो चीजें हमारे लिए इजिली अवेलेबल है, जो चीजें ऑर्गेनिक है उन चीजों का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए वो डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में जो है धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है ना। तो उसको एक तरीके से बचा करके रखना, लाइफ ऑन लैंड को बचा करके रखना, दिस इज वन ऑफ द SDG। 16वां नंबर पॉइंट है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये होना बहुत ही मुश्किल काम है, ये 16वां नंबर पॉइंट को अचीव करना इज नॉट ईजी, बिकॉज एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू नॉट कैप्चर बट एक तरीके से डिमीन करना, दूसरे कंट्री को डिमीन करना, उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपसे जो छोटे होते हैं, कई बार होता है ना कि जो भाई बहन छोटे हैं, कुछ आपको काम रहा तो आपने बोल दिया कि भाई तुम करो, जाओ तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो अभी के टाइम पे जो बड़ी कंट्रीज है वो छोटी कंट्रीज के साथ ऐसा ही कर रही है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अच्छा नहीं करोगे चलो तुम्हारे ऊपर तो हम हमला करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। सो प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये सारी चीजें ना बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, ये एक्चुअल में कर पाना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, पॉसिबल है बट आसान नहीं है, बट ये चीजें इंक्लूडेड हैं SDGs में, ये पॉइंट्स भी हैं, ये चीजें भी जो है आपको करनी है। एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स। अब इंस्टीट्यूशन से वो सारे अथॉरिटीज आ जाएंगी जो कि इन सब चीजों का ध्यान रख रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा धांधली होती है, करप्शन होता है ना, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपको बस पॉइंट बहुत याद रखना है और इन बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स को एग्जाम में लिख देना है, और कुछ नहीं, हाँ ठीक है। हाँ मैं मस्त है 17वां नंबर पॉइंट है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ठीक है, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिरी में वही बोला गया कि सबको हाथ जोड़ करके, मतलब हाथ में हाथ मिला करके सबको जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए एफर्ट लगाने हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे मीन्स जिसके जरिए आप इन सब चीजों को आप अचीव करेंगे
उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत बनाना। अब वो तभी पॉसिबल है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री का हाथ थामेगी। आप अकेले सस्टेनेबल बिल्कुल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सारी कंट्रीज को एक साथ में आना बहुत जरूरी है। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि आपको सबको साथ में आना पड़ेगा, और जो भी आपके मीन्स है जिसके जरिए आप एसडीजी को हासिल करेंगे, एसडीजी के जो गोल्स हैं उनको आप अचीव करेंगे, उसके लिए आपको जो है सबको मिल करके जो है काम करना होगा। ठीक है, तो दीज वर द 17 पॉइंट्स। द एसडीजी एम टू टैकल इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस एंड प्रमोट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बैलेंसिंग सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस, इन तीनों चीजों के बारे में। या इसके अलावा जितनी भी डायमेंशन है सबको एक साथ में मिला करके आपको इस तरीके से काम करना है कि सबको फायदा हो, सबका ग्रोथ हो। यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा, उसके उद्देश्यों में आएगा। दे कॉल फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं, लोगों को नहीं एक्चुअली गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं, बिजनेसेस को कह रहे हैं, सिविल सोसाइटीज को कह रहे हैं कि वो लोग आपस में मिलकर के कोलैबोरेटिव वे में जो है जो उनके गोल्स हैं उनको वो लोग अचीव करने की कोशिश करें, ताकि उनका जो फ्यूचर है, उनका फ्यूचर तो खैर जो है सो है, जो आने वाले जनरेशन का फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। ठीक है, अचीविंग द एसडीजीज रिक्वायर इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक इंटीग्रेटेड मतलब सबका मिला जुला एक अप्रोच होना चाहिए। एक बंदा कुछ सोच रहा है, दूसरा बंदा कुछ और सोच रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपका अप्रोच किसी चीज को लेकर के सेम होना चाहिए, वो करना। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, उनको उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए, उन अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो सॉल्यूशंस है वो इनोवेटिव होने चाहिए। अब बाबा आदम के जमाने की अगर आप चीजें यूज करेंगे तो उससे तो काम बहुत स्लो होगा। तो आपको जो इनोवेशन है वो भी करती रहनी है। एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एट द लोकल, जी नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, ये बहुत जरूरी है। अभी जी जी ट्वेंटी का मीट हुआ, जी ट्वेंटी के मीट में इन्हीं 17 मुद्दों पर बात किया गया होगा। ये जो 17 17 बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल हैं, सही एक्चुअली बात हर एक कंट्री जब किसी के साथ बायलैटरल रिलेशंस रखती है तो इन्हीं चीजों को पाने की कोशिश करती है। हाँ है। बिल्कुल किशन, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, यही बोल रहा था कि अपना ट्रेड अच्छा सा अच्छा हो, रिलेशन अच्छा सा अच्छा बने एक दूसरे से, तो इसके लिए ये हाँ मीटिंग रखा गया था ना। राइट राइट, बहुत सारी चीजें होती हैं, कल्चरल कल्चरल जो है चीजें शेयर की जाती हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, बट उनका जो एंड प्रोडक्ट है, हम लोग एंड में बस यही 17 चीजें हम लोग हासिल करना चाह रहे हैं कि सारी कंट्रीज अच्छे से रहे हाँ हैं वगैरह जी वगैरह, ये 17 चीजें ही हैं। ठीक है, बिल्कुल तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ मैं यस शेयर कर दूंगा, एंड अगला क्लास जो है हम लोग 9 बजे से करते हैं। ठीक है, चलेगा सुनो। ओके गाइस, ठीक है देन, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय ओके बाय, सर, और 9 बजे ज्वाइन करते हैं फिर। ओके हाँ सर, सर, ओके गाइस, ओके। ओके।